10 साल अकाली दल इतने सत्ता हटा गया 10 सालों के अकाली दल ने पंजाब लीहो ला दिता बिल्कुल पंजाब इंसाफ मंगदा मंगदा साढ़े चार साल का जड़ा इस कांग्रेस सरकार के मूँह कनी वेख रहा है एटलीस्ट कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने आम आदमी पार्टी के संघर्ष को देख के दलित वर्ग के नाल जड़ा 64 करोड़ का घोटाला सीगा उसे थोड़ा जहा जड़ा निगाह पिछे घुमाई आ अमृतसर की धरती से पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वलों वड्डे ऐलान किए गए हैं साढ़े न गलबात करने के लिए बीबी बलजिंदर कौर जी ने गलबात करद बलजिंदर जी जिहड़े ऐलान किए गए हैं अज एक तो मुख्यमंत्री का चेहरा जिहड़ा आ सिख समाज का होगा तो दूजा कुंवर विजय प्रताप को जिहड़ा शामिल किया आम आदमी पार्टी की कहोगे विजय प्रताप जिहड़े अज साडी पार्टी का हिस्सा बने ने सो सब तो पहला तो मैं उन्होंने बहुत वधाई दिनी हाँ कि उन्होंने सारी उम्र अपनी ईमानदारी की नौकरी करते हुए ईमानदारी के नाल अपनी सेवावान निभाते हुए अज एक बहुत वड्डा फैसला लिया यानी कि पंजाब नूं समर्पित होकर आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने ने सो इहदी वधाई जिथे पूरे पंजाब नूं आ पूरी समुची आम आदमी पार्टी नूं ते कुंवर विजय प्रताप होरां नूं बहुत बहुत वधाई है दी मुबारकबाद आ एक जिहड़ा एयरपोर्ट ते जदों पहुंचे सी तां अकाली दल वल्लों विरोध किया गया सी बीते दिनी कांग्रेस दे वल्लों भी विरोध किया गया सी गो बैक केजरीवाल दे नारे लगाए गए सी मतलब उन्होंने देखो वो सिर्फ एक विरोध करन वाले ही रह गए ने उन्होंने अपना कोई रोल नहीं जड़ा अदा किया पंजाब की धरती से 10 साल अकाली दल इतने सत्ता हंडा गया 10 सालों के अकाली दल ने पंजाब लीहो ला दिता बिल्कुल तो जे असी देखिए कैप्टन अमरिंदर की सरकार का यही हाल है जिन्होंने बहुत सारे वादे किए से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया अज भी पंजाब उस निगाह के नाल वेख रहा कि जो कैप्टन अमरिंदर ने वादा किया कि जिन्हों लोगों ने कि मैनू ये पता भी आ मीडिया के अगे क्लीयर किया कि जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी कराई है असी उन्होंने जेलों च बंद करांगे पंजाब इंसाफ मंगदा मंगदा साढ़े चार साल का जड़ा इस कांग्रेस सरकार के मूँह कनी वेख रहा है पर टस तो मस जी कैप्टन अमरिंदर की सरकार नहीं हुई तो सो जड़ा ये सारिया गल् ने जिड़िया स्पष्ट कर दया ने कि सरकार लोगों के काम जड़े वो करना ही नहीं चाहते ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ चाहे वह दलित समाज है जिन्हों के वर्ग की गल की अज तक तो कदम किसी की जरूरत नहीं हुई सिर्फ सियासत इन्हों पार्टिया ने लोगों वंड के डिवाइड करके धर्म के नाते की आ पर आम आदमी पार्टी लोगों के काम करके दिखाती एससी स्कॉलरशिप मामले आखिरी सवाल है जी एससी स्कॉलरशिप मामले आम आदमी पार्टी की वड्डी जित हुई है बहुत वड्डी जित हुई है देखो आम आदमी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही थी मैं बहुत मुबारकबाद दिनी हाँ कि एटलीस्ट कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने आम आदमी पार्टी के संघर्ष को देख के दलित वर्ग के नाल जिहड़ा 64 करोड़ का घोटाला सीगा उसदे ते थोड़ा जिहा जड़ा निगाह पिछे घुमाई आ पर उदों तक आम आदमी पार्टी घरे बैठने वाली नहीं जो तक इस करप्ट मिनिस्टर से कार्रवाई नहीं होंगी जी बहुत धन्यवाद सो ये तलवंडी साबो तो विधायक बलजिंदर कौर जिन्हों वालों साफ तौर पर एक तो कुंवर विजय प्रताप को पार्टी के शामिल होने दी बधाई दित्तिया तो दूजे वो जिहड़े पीड़ित ने जिहड़े बेअदबी जदों हुई सी बरगाड़ी दे विच बेअदबी भी हुई सी गोलियां गोलीकांड भी होया सीगा ते उस तो बाद जिहड़े हाले तक भी वह मामला लटकदा होया नज़र आ रहा ते इस मामले दे विच पीड़ित ने जिहड़े उन्हां नूं इनसाफ जिहड़ी आ इनसाफ जल्दी ही मिलेगा जेकर आम आदमी पार्टी सत्ता दे विच आउंदी आ साफ तौर पर बलजिंदर कौर दे वल्लों इह कहा गया होर भी तुहानूं अपडेट दिंदे रहांगे लगातार बने रहो कैमरामैन गुरप्रीत दे नाल इमरान खान D5 चैनल पंजाबी D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो बैल आइकन ते क्लिक करो बाणी गुरु गुरु है बाणी ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ